For more updates, don't forget to like, subscribe and share my channel and press the bell icon. Friends, welcome back to my channel. तो इस वीडियो में आपको बताऊंगी बेबी के गैस के बारे में कि ये क्यों होता है, कब से स्टार्ट होता है और उसका क्या ट्रीटमेंट है. तो ये सारा कुछ मैं इस वीडियो में शेयर करूंगी. तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट तो मैं ये बता दूं कि जब मैंने एक वीडियो शेयर किया था कि बेबी रोता है तो उसका एक वन ऑफ द रीज़न मैंने ये भी बताया था कि जब बेबी को गैस की इशू हो जाती है तब बेबी बहुत रोता है. स्टार्टिंग का 3 मंथ जो है वो बेबी के डाइजेस्टिव सिस्टम में बहुत चेंजेस आते हैं, प्लस उसके पॉटी में बहुत चेंजेस आते हैं और स्टार्टिंग में ही बेबी को गैस की बहुत इशू हो जाती है. तो उसके क्या क्या रीज़न है वो मैं आपको बताती हूँ कि मोस्ट कॉमन जो है कि बेबी ने फीड लेते वक्त एयर को स्वेलो कर लिया है और बेबी के टमी में जो एयर है वो कलेक्ट हो गया है और इस वजह से उसका एब्डोमिनल पेन स्टार्ट हो गया है और उसे गैस की इशू हो रखी है. सेकेंड है कि डाइजेस्टिव सिस्टम जो है अभी डेवलप कर रहा है, उतने अच्छे से डेवलप नहीं हुआ है, इमैच्योर है, तो इस वजह से भी गैस हो सकता है. थर्ड है कि मदर के डाइट पे भी डिपेंड करता है कि मदर किस तरह का डाइट ले रही है, मदर किस तरह का फूड ले रही है, स्पाइसी ले रही है, नॉन स्पाइसी ले रही है या बहुत ज़्यादा तेल ऑयली वगैरह इस तरह का खाना ले रही है, क्योंकि जो भी मिल्क न्यूट्रिएंट बेबी को मिल रहा है वो मदर के ही ब्रेस्ट मिल्क से मिल रहा है. तो इस वजह से भी हो सकता है कि बेबी को गैस की इशू हो जाए. उसके बाद है कि अगर बेबी में मिल्क प्रोटीन एलर्जी है, किसी तरह का लैक्टोज इंटॉलरेंस स्टार्टिंग में बेबी को रहता है कि उसे दूध वगैरह जो है डाइजेस्ट नहीं होता है, तो इससे भी गैस की इशू हो जाती है. तो ये भी एक रीज़न है. तो इसके सिम्टम क्या क्या है? सिम्टम जो मोस्ट कॉमन आप देखेंगे कि बेबी जो है कोलिक हो गया है, बहुत ज़्यादा रो रहा है, चुप नहीं हो रहा है, कितनी तरह से आप चुप कराना चाह रहे हैं फिर भी नहीं चुप हो रहा है और आपको समझ में आ जाएगा कि वो किसी तरह के पेन में है तभी वो रो रहा है. तो इसलिए आपको लग समझ जाना चाहिए कि वो बेबी को गैस हो रखी है. सेकेंड है कि बेबी बर्प करता जा रहा है एकदम रेगुलर फ्रिक्वेंटली, आप उसको देखेंगे कि वो बर्प कर रहा है तब आपको समझना चाहिए कि उसे गैस हो रखी है. या फिर बेबी का टमी जो है वो बहुत टाइट हो गया है, वो आप प्रेस भी कर रहे हैं तो प्रेस नहीं हो रहा है और वो फुल सा गया है, तो इसकी वजह से भी गैस हो जाता है. फोर्थ है कि बेबी अपना पोजीशन चेंज कर रहा है, बिल्कुल ऐसा सा हो के पीछे हो के और बहुत ज़्यादा रो रहा है, तब भी आप समझ जाना चाहिए आपको कि बेबी को उस गैस की इशू हो गई है. अब मैं बात करती हूँ कि इसका ट्रीटमेंट क्या है. इसके जो रेमेडी हैं वो आप घर में ही कर सकते हैं. जो मोस्ट कॉमन है कि फर्स्ट आप सबसे जब भी आप बेबी आपका अम्बिलिकल कॉर्ड बेबी का निकल जाए तो आप आफ्टर 15-20 डेज बेबी को ज़्यादा से ज़्यादा टमी टाइम दीजिए, 5 मिनट्स 2 मिनट्स 3 मिनट्स डिपेंडिंग ऑन. अगर बेबी इंजॉय कर रहा है तो आप उसका बिल्कुल आप उसका ड्यूरेशन बढ़ाते रहिए, वो आप कर सकते हैं. टमी टाइम आप देंगे तो जो भी गैस वगैरह बना है वो निकल जाएगा. उसके साथ है कि जब भी आप बेबी को फीड कराएं, बेबी को बर्प एक बार कंधे पे लेके 5 या 10 मिनट तक बैक मसाज देंगे तो बेबी बर्प कर लेगा, तो उससे उसका गैस का इशू खत्म हो जाएगा. थर्ड है कि बेबी को जब भी आप मसाज दें उसका मैं 2 तरह का एक्सरसाइज बता रही हूँ, वो आप ट्राई कर सकते हैं. एक है कि साइकिलिंग एक्सरसाइज, जैसे कि पैर में दोनों को लेके और जैसे साइकिल चलाते हैं बेबी के भी दोनों पैर को लेके ऐसे साइकिल की तरह उसे घुमाना है और उसके बाद उसके टमी तक उसको टच करा के कुछ देर छोड़ना है, फिर उसको साइकिल कराना है, ये आप कर सकते हैं. उसके बाद जो आता है कि बेबी के दोनों पैर को लेके आप बिल्कुल उठा लीजिए और उसके फेस तक बिल्कुल आगे ले जाइए फिर पीछे लाइए, आगे ले जाइए फिर पीछे लाइए, ऐसा आप करेंगे तो उसे गैस बिल्कुल देखेंगे कि रिलीज हो रहा है. उसके साथ साथ जो है आपके घर में या सभी के घर में हींग होगा, हींग थोड़ा सा आप ले लीजिए और उसको मिल्क में ज़रा सा मिक्स करके और बेबी के नेवल एरिया बेली बॉटम के साइड साइड में आप उसको लगा दीजिए और सूखने दीजिए उस पेस्ट को. बिल्कुल पेस्ट जैसा जब होगा सूख जाएगा तब आप देखेंगे कि बेबी को 5 या 10 मिनट में गैस बिल्कुल रिलीज होने लगा. बेबी को हींग खिलाना नहीं है, वो सिर्फ नेवल एरिया के पास आपको बस लगाना है.
उसके बाद होता है कि आप कोलिक ड्रॉप आप दे सकते हैं बेबी को। कोलिक ड्रॉप आप डॉक्टर से पूछ लीजिए, जिस ब्रांड का डॉक्टर बोलते हैं वो, जैसा वो रिकमेंड करते हैं वो आप ट्राई कर सकते हैं देना। मदर अपने डाइट में जो है ही और प्लस अजवाइन वाटर इंक्लूड करें। अजवाइन वाटर के लिए क्या करना है कि अब आप एक बॉटल में ही वाटर में अजवाइन डाल के अच्छे से बॉयल कर दीजिए और उसको छान लीजिए, और जब भी मदर को मन करे वो पिएंगी तो वो जो ब्रेस्ट मिल्क मिलेगा बेबी को, जब बेबी लेगा तो उससे अगर एसिडिटी वगैरह हो रखी है वो रिलीज हो जाएगा। उसके साथ हींग भी, जैसा कि मदर लेंगी तो या तो आप बेबी को लगाएंगे भी और साथ साथ मदर भी लेंगी, और वो फिर बेबी के ब्रेस्ट मिल्क के थ्रू जब बेबी लेगा तो उसका वो रिलीज हो जाएगा। उसके साथ करना है कि मदर के डाइट पे बहुत ज़्यादा कंट्रोल होना चाहिए, बहुत ज़्यादा ऑयली फूड नहीं लेना है, बहुत ओवर स्पाइसी फूड नहीं लेना है जिससे बेबी के डाइजेस्टिव सिस्टम या फिर उसे गैस वगैरह की इशू हो। तो ये सब आप ट्राई कर सकते हैं, जैसा कि मैंने बताया कि आप मसाज दीजिए, टमी टाइम उसको दीजिए, कोलिक ड्रॉप दीजिए, उसको हींग लगा दीजिए। तो ये सब आप जब जब ट्राई करेंगे तो आप देखेंगे कि बेबी का जो गैस का इशू है वो धीरे धीरे ठीक होने लगा। बट फिर भी अगर आपको लगे कि ये सब ट्राई करने के बाद भी नहीं ठीक हो रहा है, बेबी बहुत ज़्यादा क्रैंकी हो रखा है, तब आप डॉक्टर से डेफिनेटली जाके मिलिए और दिखलाइए कि क्या बात है, किस बात की इशू हो रखी है उसे, क्यों इतना ज़्यादा एसिडिटी उसे बन रहा है। तो बस ये सोचा ये वीडियो आपके साथ शेयर करूं। तो अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर एंड प्रेस दी बेल आइकन। थैंक यू, बाय बाय।